नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। खबर गाजीपुर से है, जहां एक युवक ने आज पड़ोस में रहने वाली महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला घायल हो गई, जबकि हमलावर युवक ने खुद पर भी धारदार हथियार से हमला कर लिया। घायल युवक के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरा गाँव की है। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मृतक युवक के परिजनों ने महिला पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। साहब, सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरा गांव में एक घटना हुई है। लव अफेयर का मामला बताया जा रहा है और एक महिला और एक युवक का मामला। झगड़े के दौरान कहा जा रहा है कि लड़के ने महिला पर हमला किया और खुद भी अपने आप पर वार कर लिया। जी हाँ, जनपद गाजीपुर के सकरा गांव में कोतवाली सदर क्षेत्र में एक घटना घटित हुई है, जिसमें महेश बिंद लगभग 25 वर्ष की उम्र, इनके सामने डेरे में एक महिला रहती थी जो शादीशुदा है, जिनके दो बच्चे हैं। इनके आपस में रिलेशंस की बात बताई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है और किसी बात को लेकर के इनमें झगड़ा हुआ और इसमें लड़की पे भी हमला हुआ है। लड़की को भी चोट लगी है, जिसका इलाज कराया जा रहा है और महेश बिंद को भी चोट लगी है। कुछ लोग गांव के लोगों ने, जैसा कि उन्होंने बताया है, कि स्वयं मार लिया है। लेकिन इस संदर्भ में महेश बिंद के परिजनों ने थाना कोतवाली में अभियोग 5 लोगों के विरुद्ध, जिसमें लड़की शामिल नहीं, उसके पिताजी और अन्य 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जा रही है। जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। महेश बिंद जो घायल हुआ था, क्या पोजीशन है वर्तमान? उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु होने के बाद महेश बिंद के परिजनों ने अभियोग पंजीकृत कराया है और उस लड़की का भी इलाज हो रहा है और इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। यही लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर खबर की करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।